हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी मैं हो रही हूँ तैयार, वो तो आपको दिख ही गया होगा। तो कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको व्लॉग में आगे पता लग जाएगा। वो रखी और आज क्या है ये भी पता लग जाएगा। तो आज मिष्टी का बर्थडे है, ये तो मैंने आपको पता लग ही गया होगा, मैंने शॉर्ट डाली थी वीडियो। और अभी हो ली हूँ मैं तैयार और अभी जाएंगे। फिर कथा है पहले दिन में और रात की है पार्टी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, फिर मैं पानी पी रही थी और फिर उसके बाद मिलते हैं सीधे कथा में। और उधर आरती हो रही है तैयार, तो आरती भी हो गई है तैयार। तो ये राजा बैठा है हमारा, ये फ़ोन देख रहा है अपना। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप बताना कमेंट करके कि कैसी लगी। और हमारी बिटिया को आशीर्वाद देना जिसका भी जिसका आज बर्थडे है। सत सत नमन है नारद जी, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहते हुए मुनि श्री नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। आपने समय अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी है। स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्य में सब कष्ट थोड़े ही। ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने बोले, ये भगवान, उस वर्ष का विधान क्या है, फल क्या, इस वर्ष से पहले किसने यहाँ व्रत किया है और किस दिन यहाँ व्रत करना चाहिए? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक देवर की सभी प्रकार के व्याधि दूर करने वाला, यहाँ व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन एक मनुष्य की संध्या के समय श्री भगवान के और बंधुओं के साथ पूजा करके भक्ति भाव और केले तथा नैवेद्य घी शहद अक्सर अथवा गुड़ दूध और गेहूँ का आटा साया लेकर गेहूँ में नवाए साड़ी का चूड़ा भी ले सकते हैं। इन सभी भक्ति भाव से भगवान श्री सत्य के अर्पण करके बंधु बंधु के साथ ब्राह्मण को भोजन करवाए, इससे पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में होकर इस समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला श्री विष्णु
विष्णु भगवान थे उसको रुपी देकर एक दिन बुरे ब्राह्मण को वैसे धारण कर मिलन से ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण तुम हर समय ही रुपी हो रुपी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण आपकी व्यथा में मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा है, मैं निधन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान यदि आप इसके मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताएं। फिर ब्राह्मण के रूप में धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान का बोले, हे ब्राह्मण हे श्रद्धा भगवान का भगवान जी का धर्म देने वाला इसकी ओए कौन दे कौन दे रहने दे उनको ऐसे भी सही आपको करूँगा। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को चला गया, परंतु उस रात उन ब्राह्मणों को जिंदा करने पर सबको के अगले दिन वहाँ जल्दी भगवान से उनका करूँ कर आकर भिक्षा अरे घर मिलेगा, इससे उसे पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं के साथ विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वहाँ गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूट कर अरे भगवान हो गया। उस समय वह ब्राह्मण मान सभा व्रत करके लगा भगवान को व्रत जो साध विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूट कर भोग को प्राप्त करेगा। जो भी सत्य भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह लड़के ने
भगवान का वर्त करना भूल गया। इस परिस्थिति में भगवान की अत्यंत क्रोधित हुए उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम करुणा दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य को सफल रहा। वैश्य अपने समाज को रही चुनाव पर घेरा लेकर विवाद करने के लिए सागर समीप स्थित भद्रस्थान पूर्वक नगर को गया। घटना पूर्वक चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों संतों जमा चंद्रकेतु राजा उस नगर को विवाद करने के लिए जिस दिन भगवान विद्या भगवान की माया से प्रेरित एक तो राजा चंद्रकेतु का घर चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे बंदी बना देकर साहब को छोड़ दिया। उनका यह धन तुमने अधिक रह गया है लुटा जो अन्य था। तुम राज्य सारा धन भगवान की।